दोस्तों, अगर आप कोई भी TVS की टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, फुली चेंज हो चुकी है ये पुरानी वाली TVS अपाचे RTR 160 से। ये अब 4V वेरिएंट है। अब इसकी फ्रंट से जैसे की लुक देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ा चेंज तो ये फ्रंट में जो आया है। कोई भी स्पोर्ट बाइक में आपको इस तरह का डिज़ाइन नहीं मिलेगा। कोई भी अगर आप नेक्ड बाइक लोगे स्पोर्ट्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट में आपको यहाँ पर इंडिया के फ्लैग का लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पर इसकी आप हेडलाइट्स देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आपको मिलेंगी। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर आपको आइस टाइप 2 LEDs मिल जाएंगी, और इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिल रहा है कुछ इस तरह का, देख रहे हैं जो कुछ इस तरह वर्क करेगा, जो काफ़ी स्टाइलिश लुक दे रहा है फ्रंट से। इसके आप अगर इंडिकेटर्स लाइट्स देखिए, आप देख रहे हैं रेजर टाइप आपको मिल रही है कुछ इस तरह। आप देख रहे हैं नॉर्मल आपको मिल रही है, LED नहीं मिल रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको TVS रेसिंग लिखा हुआ मिल जाएगा इसके फ्रंट मडगार्ड पे। और इसके अगर हम टायर्स की बात करें, इसमें जो कंपनी क्लेम करती है, इसमें रिमोरा क्वालिटी के टायर्स यूज़ किए गए हैं, जो जिसकी ग्रिप एक ऐसी होती है जो रेतीली रोड या फिर बजरी वाली रोडों पर भी स्लिप नहीं होती है। आप अगर ख़रीदेंगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये स्लिप होती है कि नहीं होती है। और जैसे कि इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके फ्यूल टैंक पर, ये कंपैरेटिवली ये काफ़ी छोटी फ्यूल टैंक दी गई है कोई भी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। अगर आपने कोई भी स्पोर्ट बाइक अगर कोई देखी होगी, वहाँ पे बैठने में काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर आपको नीचे थाई पैड के देख रहे हैं, थाई पैड के पास यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाती है, जिससे बाइक चलाने में आपको काफ़ी कम्फर्ट होगा। और एक और जो बिग अपडेट आया है, यहाँ पर जो TVS का लोगो होता है अब 3D में कर दिया, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। रेड कलर का लेंगे तो और भी बढ़िया होगा। अभी हमारे पास ब्लैक कलर ही था, तो ब्लैक कलर का ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें सिल्वर कलर में मिल जाएगा। और अब यहाँ से देख रहे हैं दूसरी साइड से अगर हम लुक की बात करें, इसके टैंक की सेम आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको 160 लिखा हुआ मिल जाएगा RTR की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, इसका फुल फॉर्म है रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स। ये जो है इसकी अगर हम बात करें RTR फंक्शन की, जैसे कि आपने दूसरी स्पोर्ट्स बाइक देखी होगी ओवरटेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको ओवरटेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी पिकअप आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, जो इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स होता है। और भी आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको फ्लैग टाइप डिज़ाइन मिल जाएगा यहाँ पर, जो काफ़ी बेटर लग रहा है। सबसे मेन अगर हम इसके अपडेट की बात करें, वो इसका ABS अपडेट है, जो आप इधर देख रहे हैं। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS के साथ अब आ गई है। वैसे भी 125cc सभी ऊपर वाले बाइक्स में ABS मैंडेटरी हो गई है। इसकी ABS की क्वालिटी की बात करें, दूसरी बाइक से कंपैरेटिवली बेटर है। आप देख नहीं पा रहे होंगे इसकी ABS डिस्क, क्योंकि ये कवर्ड है। दूसरी साइड से आपको शायद दिख जाएगी, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर मुझे तो दिख रही है। इसकी अगर हम डिस्क की क्वालिटी की बात करें, काफ़ी बेटर क्वालिटी की डिस्क आपको मिल जाती है। और भी अगर हम इसके इंजन की बात करें, इसमें आपको 160cc का इंजन मिल जाता है, जो RTR की मतलब इनकी है कोई टेक्नोलॉजी, उसके साथ आपको मिलेगा। उसकी बात हम इंजन की थोड़ी डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। इसकी अगर हम दूसरे चेंज की बात करें, और आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका एग्जॉस्ट, पहले सिंगल आता था उसमें जो होल आता था, अब इसमें आपको डबल बैरल एग्जॉस्ट मिल रहा है, जो काफ़ी स्पोर्टी साउंड आपको देगा। इसकी अगर हम बैक से बात करें लुक की, तो आप देख रहे हैं इसकी मतलब इस तरह की लुक आपको बैक से मिल रही है, जो काफ़ी बेटर लुक है, स्पोर्टी लुक दे रहा है काफ़ी। पिछला टायर भी आपको काफ़ी हैवी मिल रहा है इसमें, जो आपको ट्यूबलेस है। अब जैसे कि देख रहे हैं पीछे लाइट कुछ इस तरह की आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे, ये भी काफ़ी बेटर बात है। और रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। आप यहाँ से देख रहे हैं साड़ी गार्ड कुछ इस तरह का आपको मिलता है। और इसके आप देख रहे हैं इंजन गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हाइपर एज लिखा हुआ है, जो काफ़ी बेटर लग रहा है। इधर आपको अपाचे की लोगो मिल जाएगा स्टिकर टाइप। इसके अगर हम दोस्तों सस्पेंशन की बात करें, इसमें आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो काफ़ी आपको हैवी मिल रहे हैं, जो आपको डाउन साइड वाले ही मिल रहे हैं, अपसाइड डाउन इसमें आपको नहीं मिलेंगे। आप जैसे कि इधर से भी देख रहे हैं, इसमें आपको बैक मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो देख रहे हैं काफ़ी बेटर क्वालिटी के, मुझे ये भी लग रहे हैं स्पोर्टी लुक दे रहे हैं काफ़ी। और भी आप देख रहे हैं इसका कुछ चैन कवर भी आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। इसके टायर्स आप देख रहे हैं रेड कलर की, मतलब TVS रेसिंग की फिनिशिंग के साथ काफ़ी बेटर लग रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि आप, अब मैं आपको इसके थोड़े क्लस्टर का लुक दिखाता हूँ किस तरह का आपको मिलेगा। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ से, ये कुछ इस तरह का आपको इसका मिल जाएगा थोड़ा UI यूज़र इंटरफेस इसका। इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे। सबसे पहला मोड जो आपको मतलब किलोमीटर्स दिखाएगा,
जो तीसरा मॉडल ट्रिप 1 मीटर आ जाएगा। फिर ट्रिप 2, इसमें एक हाई स्पीड मीटर भी आपको दिखाएगा, इधर टाइम भी आप देख सकते हैं, इधर आपकी RPM शो करेगा, इधर आपकी स्पीड, इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा और इधर ABS का आइकन, क्योंकि ABS अब मैंडेटरी है। और ये देख रहे साइड इंडिकेटर कुछ इस तरह, अगर फ्यूल कम होगा तो ये इंडिकेट करेगा। और ये आपको मिल जाएगा लो बीम हाई बीम के लिए, ये मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ है, इसके बारे में मुझे पता नहीं ये क्या चीज़ है। इसका आप हैंडल बार देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है, जो काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है हैंडल बार इसका। इसके आप देख रहे हैं स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिल जाएगा, इधर आपको पास मिल जाएगी, इधर आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, इधर आपको हॉर्न मिलेगा, इधर सेल्फ और इधर किल स्विच आपको मिल जाता है, और यहाँ पर ब्रेकिंग लिक्विड आपको मिल रहा है साथ में। इसके अगर हम मिरर्स की बात करें, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की लुक आपको मिरर्स में मिल रही है, जो काफ़ी बेटर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिक्विड प्लस एयर कूल्ड दोनों का आपको मिक्सचर मिल रहा है इंजन का। देख रहे हैं आप हीट बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स। आप जैसे कि देख रहे हैं, एक बार आप दूर से भी लुक देख लो। दोस्तों मैं आपको इस बाइक का मैं एक ओवरव्यू तो आपको दे ही चुका हूँ, जिसमें आपको इस बाइक के मतलब सभी एक्सटीरियर्स के बारे में आपको पता लग ही गया होगा। इसमें बहुत सारे हार्डवेयर अपडेट्स आए हैं। अब मैं आपको इसके इंजन के बारे में कुछ बता देता हूँ डिटेल में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। अगर मैं इसके इंजन की बात करें, इसमें आपको 160cc का इंजन मिल जाएगा, जो RTI टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स है। इसके अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 159.7cc की डिस्प्लेसमेंट है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। इसके अगर हम मैक्स पावर की बात करें, 16.28 BHP की पावर जनरेट करता है। मैक्स टॉर्क की बात करें, 14.8 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएगा, जो एक कार्बोरेटर के साथ आपको मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा फ्यूल इंजेक्शन के साथ भी मिल जाएगा। इंजन की बात करें, लिक्विड प्लस एयर कूल्ड दोनों का मिक्सचर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, 5 गियर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका आपको फर्स्ट गियर सबसे पहले ऐसे नीचे पड़ेगा, फिर ऊपर न्यूट्रल होगा और बाकी 4 गियर्स ऊपर ही होंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है। दोस्तों मैं आपको इस बाइक के इंजन के बारे में भी अपना बता चुका हूँ, ये मैंने लगभग आपको इसमें इस बाइक का सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स बता देता हूँ। इस बाइक के अगर हम कलर्स की बात करें, आपको 3 कलर्स मिल जाएगी, रेड, ब्लैक और ब्लू। जो मेरे हिसाब से तो रेड कलर ज़्यादा इसमें बढ़िया लगता है, बहुत स्टाइलिश लुक देता है। इस बाइक की अगर हम बात कर लेते हैं, हम थोड़े से डायमेंशंस के बारे में बता देते हैं। डायमेंशंस की बात करें इसकी, अगर हम सबसे पहले कर्ब वेट की, ये 143 kg का आपको ये टोटल बाइक मिल जाता है। इसकी अगर हम सीट हाइट की बात करें, 800 mm की आपको सीट हाइट मिल रही है। जो आप देख रहे हैं सीट की क्वालिटी आपको काफ़ी बेटर मिल जाती है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। जो आप बताना मेरे कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करें, 1357 mm का व्हील बेस मिलता है। विड्थ की बात करें, 790 mm, और लेंथ मिल जाती है 2050 mm की, जो आपको सब कुछ एवरेज मिल रहा है, ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसकी अगर हम दोस्तों प्राइस की बात करें, लुधियाना पंजाब में 1,13,000 की आपको ये टोटल बाइक मिलेगी, जो इसका मतलब ऑन रोड प्राइस है। सारा कुछ इंश्योरेंस वगैरह लगाने के बाद इसमें आपको 5 ईयर्स की इंश्योरेंस मिल जाएगी। आप अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं अलायंस TVS में, जो लुधियाना में आपको बस्ती जोधेवाल के पास मिल जाएगी। आप देख रहे हैं जैसे कि एक बार लुक, आपको नंबर यहाँ का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं इस बाइक का आपको फुल रिव्यू दे चुका हूँ, अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया। ये आपको रिव्यू किस तरह का लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करते हुए जाएं, जिससे आप हमारे को मोटिवेशन मिलती है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा लें, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।